नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल स्पिरिचुअल ट्री में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे महाशिवरात्रि के बारे में। महाशिवरात्रि का जो पर्व है ये भगवान शिव को अति प्रिय है और बहुत लोग इस दिन का बेसब्री से इंतजार करते हैं, जिससे कुछ खास साधनाओं को कर सकें और अपने जीवन में नई नई तरह की चीजों को प्राप्त कर सकें, क्योंकि हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में धन की समस्याएं बिल्कुल भी ना हो, कर्ज की समस्याओं में उसे बिल्कुल भी ना पड़ना पड़े, जिस चीज की वह कामना करे हर एक चीज उसके पास आ जाए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में महाशिवरात्रि पर किए जाने वाले कुछ ऐसे ही खास प्रयोग के बारे में हम आपको बताएंगे जो केवल महाशिवरात्रि पर ही करे जाते हैं। बहुत सारी अलग अलग परेशानियों के लिए, समस्याओं के लिए जो सभी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, उन्हीं सभी समस्याओं को लेते हुए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महाशिवरात्रि पर कौन कौन सी चीजें आप कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज तो यही है कि काफी लोगों को मन में ये सवाल रहता है और मन में इस प्रकार की चिंता बनती है कि वह रात को बिल्कुल भी सो नहीं पाते हैं, सही से सो नहीं पाते हैं, तो ठीक से उठ भी नहीं पाते हैं, कोई काम ठीक से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारे कार्य अगर किसी व्यक्ति के जीवन में हो तो वो आखिर कैसे चैन से सो सकता है। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल इतना करना है कि जो बेलपत्र होता है, बेलपत्र के पौधे से आपको पत्ते, उसकी जड़, उसका फल जो बेल फल कहलाता है, ये सारी चीजें आपको बेल के पौधे से लेकर आनी है। और अगर सारी चीजें नहीं भी मिल पाती है तो बेल फल ही आप ले सकते हैं, बेल पत्र ले सकते हैं, बेल का तना, बेल की जड़ें तो बड़ी आसानी से आपको कहीं पर भी मिल जाएंगे। तो ये सारी चीजें आप ले लें और इन सारी चीजों को जलाकर इनकी एक भस्म तैयार कर लें। जलाने के लिए आप किसी लकड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी चीज की सहायता ले सकते हैं, लेकिन पेट्रोल या केरोसिन ऑयल का इस्तेमाल आपको नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करने से आपकी जो भस्म तैयार होगी वो बेकार हो सकती है और वो आपको बिल्कुल भी बेकार नहीं करनी है। आपको बता दें कि महाशिवरात्रि का जो पूरा दिन है, उस पूरे दिन में किसी भी समय यह भस्म तैयार करी जा सकती है, जब आपको समय लगे तुरंत आप समय निकाल कर, क्योंकि कुछ लोगों के पास समय नहीं होता है, लेकिन अगर आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, चैन की नींद से सोना चाहते हैं, तो आपको इस उपाय को करने के लिए समय तो बिल्कुल निकालना पड़ेगा। उसके लिए आपको ये भस्म तैयार कर लेने के बाद किसी भी डिब्बी में इसे भरकर आप इकट्ठा करके रख लें और इस भस्म का रोजाना अपने माथे पर थर्ड आई पर दोनों भौं के बिल्कुल बीच में लगाकर सोया करें। इस भस्म को शिवलिंग पर महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को अर्पित करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इसी से यह अभिमंत्रित हो जाती है। बहुत ज्यादा पूजा पाठ, साधना आदि वगैरह करने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। महाशिवरात्रि का दिन भगवान शिव का अति प्रिय दिन है, तो इस दिन का आप जरूर लाभ उठाएं। इस भस्म के और भी ज्यादा, बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त होते हैं, इसके क्या क्या लाभ हैं ये भी आप जान लें। अगर आपके जीवन में शत्रुओं की समस्याएं चल रही हैं और शत्रु आपको बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, तो इस भस्म को लगाने से शत्रु जो होते हैं वे आपका बिल्कुल भी अनिष्ट नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार कुछ लोगों के जीवन में ये समस्याएं होती हैं कि जहाँ पर वह कार्य करते हैं, जहाँ पर नौकरी करते हैं, वहाँ पर उनका बॉस उन्हें परेशान करता है, तो इस भस्म का इस्तेमाल अवश्य करें। नौकरी पर जब जाते हैं तो इस भस्म को लगाकर जाया करें, इससे जो व्यक्ति वहां पर परेशान करता है वो परेशान बिल्कुल भी नहीं कर पाता है। जिन लोगों को ये डर रहता है कि उन पर कोई तांत्रिक कुछ क्रियाएं करवाता है या उनका शत्रु उन पर कुछ क्रियाएं करवाता है, तो वो लोग रात को सोने से पहले इस भस्म का इस्तेमाल करें, प्रयोग करें। ऐसा करने से हर प्रकार की तांत्रिक क्रियाओं से और हर प्रकार के शत्रु के अनिष्ट से, शत्रु की शत्रुता से और उसके दुष्व्यवहार से भी छुटकारा प्राप्त होता है। तो महाशिवरात्रि पर यह भस्म बनाएं। अब दूसरी चीज ये है कि जिन लोगों के जीवन में कर्ज की समस्याएं होती हैं, तो महाशिवरात्रि पर बजरंग बाण का अनुष्ठान करना बेहद उत्तम और विशेषकर खास बताया जाता है। भगवान हनुमान भगवान शिव के ही रौद्र अवतार हैं और जिन लोगों के जीवन में कर्ज की समस्याएं होती हैं वो भी इसीलिए होती हैं कि उनके जीवन में मंगल ग्रह खराब होता है और पिछले जन्म का कुछ गड़बड़ वह करके आते हैं, तो इस वजह से उनकी कुंडली में जो ग्रहों की जो दशा होती है वो उसी अनुसार हो जाती है और इसी के कारण किसी भी व्यक्ति के जीवन में कष्ट आते हैं। तो बजरंग बाण का जो अनुष्ठान है वह महाशिवरात्रि पर किस प्रकार किया जाता है ये आप जान लें, क्योंकि ये जो हनुमान जी से जुड़ी हुई चीजें होती हैं काफी ज्यादा चमत्कारी होती हैं और तेजी से असर दिखाने वाली होती हैं। खास करके हनुमान चालीसा के बहुत सारे अनुष्ठान होते हैं, बजरंग
बाण के अनुष्ठान होते हैं जो अलग अलग तरह से किए जाते हैं, काफी तंत्रोक्त रूप से भी किए जाते हैं, अपने चक्रों का इस्तेमाल करते हुए भी किए जाते हैं, वो आने वाले वीडियोस में हम आपके साथ जरूर ही शेयर करेंगे, क्योंकि इसी चैनल में हमेशा खास चीजें आपको बताई जाती हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य ही बेल बटन दबा कर रखें, जिससे कोई भी वीडियो मिस ना हुआ करे। तो दोस्तों आपको बता दें कि महाशिवरात्रि पर बजरंग बाण का अनुष्ठान करने के लिए आपको बिल्कुल एक छोटा सा कोई भी मटका ले लेना है। मटके में आपको शुद्ध जल भर के उसमें 11 पत्ते पीपल के डालने हैं। 11 पत्तों पर श्री राम भगवान का नाम अष्टगंध केसर या सिंदूर से आपको लिखना है, और उन पत्तों को जो मटके में जल शुद्ध जल आप भर के रखेंगे, उस जल में इन पत्तों को आपको बिल्कुल तैरा देना है। खासकर बजरंग बाण का जो यह अनुष्ठान है, ये इस प्रकार कार्य करता है कि जैसे भगवान श्री राम के लिए उनके कार्य को सिद्ध करने के लिए, उनकी समस्या का पूर्ण निवारण करने के लिए भगवान हनुमान ने समुद्र के बीच पुल का निर्माण कर दिया था, ठीक इसी प्रकार हनुमान जी से मदद प्राप्त करी जाती है। जो लोग अपने जीवन में कर्ज की समस्या से काफी परेशान हैं, तो इसी प्रकार के अनुष्ठान से उनकी कर्ज की समस्या तुरंत और तेजी से समाप्त होती है। तो ये 11 पत्ते पीपल के, उन पर श्री राम नाम लिखकर मटके में आपको पानी के ऊपर तैरा देने हैं, और उसके पश्चात आपको उस मटके में देखते हुए 5 बार बजरंग बाण का एक ही सिटिंग में जाप करना है। अपना चेहरा उस मटके में देखते रहना है। जब आप 11 पत्ते उसमें डाल देंगे तो जगह कम बचेगी, तो आपको व्यवस्था इस प्रकार से करनी है कि आपको बिल्कुल पत्तों के बीचों बीच अपना चेहरा भी दिखाई दे। ऐसा करने से जो भी समस्याएं, जो मंगल ग्रह के दोष आपके ऊपर चढ़े हुए होते हैं, क्योंकि इंसान के दो सूक्ष्म शरीर होते हैं, एक सूक्ष्म शरीर होता है एक स्थूल शरीर होता है, तो जो परछाई होती है वह सूक्ष्म शरीर की कही जा सकती है, जो होती तो है, महसूस भी होती है, लेकिन पकड़ी नहीं जा सकती है। इसी प्रकार से जो भूत प्रेत आदि होते हैं, जो कई जगह पर भेष बदलकर आ जाते हैं, उन लोगों की परछाई नहीं होती है, क्योंकि उनका सूक्ष्म शरीर दूषित हो चुका होता है। पुराने जमाने में लोग अगर किसी प्रकार से उनका भूत प्रेत आदि से सामना या किसी भी प्रकार के नकारात्मक शक्तियों से सामना हो जाता था, तो वह सभी लोग सबसे पहले तो या तो पैर देखते थे या फिर उसकी परछाई को देखते थे, क्योंकि भूत प्रेत आदि की परछाई नहीं होती है। तो आपको बता दें कि आपको इसी प्रकार मटके के बिल्कुल बीचों बीच जहाँ पर आप पत्ते डालेंगे उसमें अपना चेहरा देखते हुए बजरंग बाण का 5 बार जाप करना है, और उसके पश्चात इस जल को महाशिवरात्रि के ही दिन पर शाम होने से पहले पहले पीपल वृक्ष में जाकर चढ़ा देना है। अगर इस उपाय को करने में आप सफल हो जाते हैं, तो ये जान लें कि कर्ज की चाहे कितनी भी समस्या ही क्यों ना हो, हर प्रकार के कर्ज से तुरंत और तेजी से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों जब आप इस उपाय को करेंगे तो ये भी बात ध्यान रखें कि पीपल वृक्ष के पास महाशिवरात्रि पर शाम होने से पहले ये उपाय को करना है, और बाद में एक आटे का चौमुखी दीपक उसमें जलाकर आना है, वहीं पर जलाकर आना है, और जो पत्ते आपने श्री राम के लिए थे उनकी माला बनाकर महाशिवरात्रि पर ही हनुमान जी को भेंट चढ़ा देनी है, और अपने कर्ज से मुक्ति के लिए प्रार्थना करनी है। इस प्रकार महाशिवरात्रि पर यह उपाय रामबाण की तरह कार्य करता है। अब दोस्तों जिन लोगों के जीवन में धन की बहुत ही ज्यादा समस्याएं रहती हैं और धन की समस्याओं से काफी ज्यादा परेशान रहते हैं, तो महाशिवरात्रि पर आंकड़े की जड़ को निकालना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि आंकड़े का जो जड़ होता है उसमें महाकाली के गणों का वास कहा जाता है, और महाशिवरात्रि पर सभी गण प्रेम में और खुशी में रहते हैं, और ऐसे समय में आंकड़े के पौधे की जड़ को निकालना बिल्कुल तंत्रोक्त रूप से कार्य करता है। इस जड़ के बहुत ज्यादा लाभ होते हैं। अगर इस जड़ को गले में धारण कर लिया जाए तो किसी भी प्रकार के तांत्रिक कोई भी अनिष्ट नहीं कर पाते हैं, कोई तांत्रिक प्रयोग क्रियाएं नहीं कर पाता है, कोई काला जादू नहीं कर पाता है, नकारात्मक ऊर्जाएं उस व्यक्ति को परेशान नहीं कर पाती हैं। लेकिन आपको बता दें कि इस जड़ का असर 6 महीने तक रहता है। उसके पश्चात इस जड़ को उसी पौधे के पास जहां से आप निकाल कर लाए थे वहीं पर रखकर आना होता है, जिससे आपके शरीर से और आप में से जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं उस जड़ ने सोखी हैं वो उसी में रह जाएं और मिट्टी में ही दफन हो जाएं और दोबारा आपको बिल्कुल भी ना पकड़ पाएं। तो महाशिवरात्रि पर जड़ को अवश्य ही निकाल लें, इसी से धन की सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं, क्योंकि महाकाली को महालक्ष्मी तंत्रोक्त लक्ष्मी कहा जाता है। जिस व्यक्ति पर महाकाली की कृपा हो जाए ऐसा व्यक्ति बिल्कुल निडर और काफी ज्यादा धनी वह व्यक्ति हो जाता है। तो आंकड़े के पौधे की जड़ को अवश्य निकाल लें। अभी महाशिवरात्रि में समय है, तो आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं
वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें। आने वाले वीडियोस में महाशिवरात्रि के लिए ही उन आप जो समस्या लिखेंगे उनके लिए भी उपाय बताए जाएंगे। इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा के अपने जीवन में आगे बढ़ सकें और अपनी समस्याओं को दूर कर सकें, क्योंकि जब आप शेयर करते हैं तो दूसरे लोगों की मदद होती है और आपके गुड कर्मास बढ़ते हैं। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।